ये संगीत का जादू है। तालियां उन लोगों के लिए बजाइए जिन्होंने ये काम करके रखा है। आज उनकी बदौलत हम ये गाने गा रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं। वो बड़े संगीतकार गीतकार जो आप हमारे में नहीं है, लेकिन इतना बड़ा खजाना हमारे लिए छोड़ के गए, ये तालियां उनके बाद उनके लिए एक बार जोर जरूर हो जाइए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं हमारे महाराष्ट्र के लाड़के कलाकार चंद्रशेखर जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप वो अपनी पसंद का एक गीत सुनाइए और लाइव म्यूजिक के साथ में सुनाइए। थैंक यू सर। अगर आपकी फरमाइश है तो जोरदार तालियां हो जाए और गाना जोरदार बोलना चाहिए आपने। कौन सा गाना चाहिए आपको? लागा चुनरी में। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। बर फक्त सपोर्ट लागे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैं भी मोरी चुनरिया, कोरे बदल से कोरी चुनरिया, हो गई मैं मोरी चुनरिया, कोरे बदल से कोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विधा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विधा के, खो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है, नदिया आत्मा मोरी मैल गमाया जा, वो दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, आ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
क्या बात है शेखर, बहुत बढ़िया। इतनी बीमार हालत में भी संगीत का जादू आखिर चल ही गया और बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रस्तुति दिया। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत खूब। मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में कहता हूँ कि किसकी किस्मत कब जागेगी, खुलेंगे किसके भाग, किसकी किस्मत कब जागेगी, खुलेंगे किसके भाग, मिलता सबको मौका पर तू समय समय पे जाग। ताल सुरों की इस महफिल में आओ रंग जमाए, हुनर छुपा है जो भी आप में सबको दिखलाइए। आइए आप भी गाइए, तमे सदे गाओ, थेपन गाओ, कुठा भी गाओ, कवा भी गाओ, लेकिन गाओ। जितना गाओगे उतना जियोगे, इसलिए गाते रहो। हाँ शेखर जी, एक चांगली आठवण माझ्या बंधूंनी सांगितली, 45 वर्षापूर्वी दारूवाला पुलावरती चंद्रशेखरचा गाडगे यांचा कार्यक्रम झाला, हे गाणं 3 वेळा मंचावर झालेलं आहे। आणि ह्या संगीताच्या जादूमुळेच शेखर अजून टिकून आहे आणि वय वर्ष। ॲक्च्युली सचिनलाही हे मान्य आहे की या गाण्यातच अशी जादू आहे की ते वंसमोर होतच, तुम्ही फक्त म्हणा बस, संपला विषय। तू हा माणूस इतका अप्रतिम गातो हे गाणं, टी व्हीवर गायला कुठे कुठे प्रोग्राममध्ये, याच्याशिवाय त्याचा प्रोग्राम होतही नाही। आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो, मगाशी सांगायचं राहिलं, ह्याच्या वडिलांचा सुद्धा मी अत्यंत आवडता कलावंत होतो। त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटात अष्टविनायकमध्ये मी गायलो, चोरावर मोरमध्ये गायलो, इतकंच नव्हे सचिनही माझ्यावर एवढं प्रेम करतो की आवर्जून जितेंद्र कुलकर्णीला सांगून त्यांनी मला त्याच्या आम्ही सातपुतेमध्ये, माझा एक मी एक सातपुते होतो त्याच्यात, आणि त्याच्याबरोबर गायलो वगैरे। खूप आनंदाचे क्षण या लोकांनी दिलेले आहेत, आणि विशेषतः जेव्हा काम नाही जास्ती अशा काळात।